तो आज मैं फिर से आ चुका तुम लोगों के लिए लेकर के एक और ऐसा शेडर जो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने वाला है तुम लोगों को लिटरली भाई। उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें तो नहीं है बट हाँ इतनी चीज़ें हैं कि तुम्हारे गेम को थोड़ा सा चेंज कर देगी। और हाँ अगर तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से काम भी करेगी बिना लैग के। तो तुम लोग माइनक्राफ्ट अपना बिना लैग के खेल सकते हो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, कैसे लगाना और क्या करना हो तो तुम लोग पहले से जानते हो यार। ठीक है दोस्तों, कैसे लगाना है तुम लोग कमेंट में, कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं पर एक लिंक मिलेगी उसको क्लिक करना। उसके बाद तुम लोग चले जाओगे आराम से, कहाँ जाना था, अरे हाँ मीडिया फायर पेज पे, मेरे मीडिया फायर पेज पे चले जाओगे, वहाँ पर तुम लोग जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ ये मेरा शेडर नहीं है तो जिसका भी शेडर है उसको पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। अब उसके आगे क्या करना है मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब तुम लोग को एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है जेडाचीवर। जेडाचीवर के अंदर जाना, तुम लोग को ये एमसी प्रोग्राम का एक फोल्डर दिखेगा, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन कर देना। ओपन करने के बाद तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर तुम लोग को ये जिप फाइल फॉर्मेट में मिले तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना यार, सिंपल सा, और कुछ भी ना करना, सिंपल एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको एम सी पैक की तरह है ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ तुम्हारा एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। भाई एक्सपोर्ट क्यों करा रहे हो भाई, इम्पोर्ट कराना है मेरे को। तो हाँ इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। इम्पोर्ट होने के बाद यहाँ पर तुम लोग इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट तुम लोग मेरे से जानते हो भाई, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो पता नहीं क्यों हम ये बात। हाँ तुम लोग को क्रिएट करना होगा यहाँ पर अपना वर्ल्ड, और क्रिएट करने के बाद रिसोर्स पैक में सिंपल से इसको लगा के एक्टिवेट कर देना। और तुम लोग अपने पुराने वर्ल्ड में भी लगा सकते हो पेंसिल वाला आइकन दबा करके। ठीक है तो तुम लोग को कुछ और ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है सिंपल सा यही चीज़ है जो मैं हर बार बताता हूँ तुम लोगों को यहाँ आ करके। तो अभी रिसोर्स पैक में आना, माई पैक में इसको एक्टिवेट करो सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है अब इसको क्रिएट कर देना यहाँ पे। तो तुम लोग अभी शेडर देख सकते हो कितना ज़्यादा सही है, मतलब थोड़ा सा सैचुरेशन हाई है, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी गई है, लेकिन हाउस के वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक सा लगता है गेम। और इसके अंदर सन मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा भाई, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। इसके अंदर जो मिक्सिंग होती है आप ब्लेंड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है सन का, तो वो कोई काफ़ी ज़्यादा सही लगा, मतलब ब्लेंड इतना अच्छा है सन का। मतलब बाकी सारे शेडर्स वगैरह में कभी कभी ब्लेंड अच्छे से नहीं होता शेडर, वो लगता है बस एक पीएनजी लगा दी गई है वहाँ पे। तो इसके अंदर लेकिन ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर तुम लोग को एक और अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, अगर तुमने पानी से देखोगे तो तुम लोग को तुरंत ही दिखेगा, लेकिन अगर पानी से बाहर निकलोगे तुरंत तुम लोग को सन देखने को दिखेगा भाई। ठीक है तो ये हमको काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ लगी कि भाई नीचे से पानी के नीचे भाई सन गायब हो जाता है, ऊपर निकलते ही सन आ जाता है, ये कौन सी बात है भाई, नया लॉजिक है। तो हाँ यही था, अब मैं तुम लोग को टाइम चेंज करके दिखाता हूँ जल्दी से। तो अभी के लिए मैंने सनराइज कर दिया है और तुम लोग यहाँ पर सनराइज देख सकते हो कैसा सा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा सा सन लग रहा है, लेकिन अभी इसको उगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी देखते रहो भाई, देखते देखते काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पहाड़ भाई बीच पहाड़, हर वीडियो बनाने के बीच में पहाड़ आया था भाई, इतनी गुस्सा आती कुछ कहने को नहीं। ये देखो भाई कितना बड़ा हो चुका है हमारा सन यहाँ पे, और इसका ब्लेंड देख लो काफ़ी ज़्यादा सही आ रहा है, एकदम मतलब बढ़िया था लग रहा है देखने में, मज़ा सी आ रही देख के। ठीक है तो अभी मैं तुम लोग को इसका जल्दी से टाइम चेक करके दिखाता हूँ, अगला टाइम सनसेट या फिर नाइट वगैरह का कहीं ज़्यादा टाइम करते जल्दी से देखते हैं, नाइट का देखते जल्दी से। तो नाइट में तो ये भाई सारे ही मतलब कि शेडर जितने भी रंगे रह के आते हैं भाई, सब में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी का माहौल हो ही जाता है भाई। लेकिन लोग को मेरे को तो ऐसा लगता है जितने शेडर आते हैं सब में क्रीपी का माहौल हो जाता है भाई। इसके अंदर तुम लोग वो देख सकते हो मून भी काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर लगता है, काफ़ी छोटा सा है, और इसके अंदर क्लाउड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल से जैसे हर शेडर में देखने को मिलते हैं हम लोग को। ठीक है और इसके अंदर वाटर वगैरह में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, वाटर नॉर्मल सा सादा एकदम प्लेन, जिससे कि वहाँ लैग कम होगा जिससे। तो ये शेडर तुम लोग लगा सकते हो अगर तुम लोग को लैग नहीं चाहिए तो। तो हाँ आज में इतना रहा, तुम लोग पूरा शुरू लाइक करना, चैनल पर हाँ सब्सक्राइब करना, अभी ना मैं इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। तो आज में इतने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।